Welcome to DPS Azad Nagar. This is one of the most renowned schools of the city. It has achieved great fame in fields of education, sports and co-curricular activities. The students of this school boast a lot about themselves studying in DPS. The students are considered to be an extremely disciplined lot. But there is no rule without an exception. This is a story of four exceptional students. चार लड़के जो स्कूल के अंदर अपनी समानांतर सरकार चलाते हैं. बच्चे टीचर से ज्यादा इन बच्चों से ही डरते हैं. तो आइए मिलते हैं इन तथाकथित एक्सेप्शनल बच्चों से. इनसे मिलिए. ये हैं ध्रुव चौधरी, जिन्हें हमारे स्कूल का स्टंटमैन भी कहा जाता है. ये शायद जमीन पर पैदल उतना अच्छा ना चल पाए जितना बाइक पर चल लेते हैं. आइए देखते हैं. इनसे मिलिए. ये हैं ऐश्वर्य पांडे उर्फ चुलबुल पांडे. इनके बस दो ही शौक हैं, या तो दबंगई करना या फिर जिम में अपना समय व्यतीत करना. पीरियड बंक करने में तो उन्होंने महारत हासिल कर रखी है. आइए मिलिए हमारे दूसरे एक्सेप्शनल किरदार से. ये हैं हर्षित गंगवार. ये अपने आप को कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा विद्वान समझते हैं और इसी वजह से शायद ये किसी और को कंप्यूटर पर बैठा भी नहीं देख सकते. ये देखिए. The secret side of me, I never let you see. I keep a cage, but I can't control it. So stay away from me, the beast is ugly. I feel the rage and I just... इनसे मिलिए. ये हैं चिराग मनवानी. ये हैं हमारे स्कूल के होनहार बास्केटबॉल प्लेयर. ये होनहार तो सिर्फ बास्केटबॉल में ही हैं, लेकिन इनका टैलेंट सिर्फ बास्केटबॉल तक सीमित नहीं है. इनके टैलेंट के बारे में आपको विस्तार से आगे मालूम पड़ेगा. तो चलिए इन स्टूडेंट्स के एक आम दिन पर नजर डालते हैं. यही तो इनको चाहिए था, क्लास से बाहर निकाल दिया जाना. अब बाहर वालों की श्यामत आई. यार तुम हमें नहीं बता सकते थे? अकेले अकेले अपन नहीं भाई. देखो यार, इशारा किया तब नहीं समझो तो क्या करें यार. आज नाइट आउट मारे. ये किसके यहाँ? किसके यहाँ? छोड़ो यार, डिस्कोटेक पलटाते. ये मेरे कल टेस्ट है फिजिक्स का. भाई तुम कब से भाई कब से पढ़ने लग गए यार? बार सोचा यार दे दे यार. यार लग रहा तप रहे हो तुम यार. भाई बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा यार, फेल हो जाओ भाई. तुम लोग भी थोड़ा बहुत पढ़ लो. देखो टेंशन वेंशन ना लो, बस जो मैं कह रहा हूँ वही करते जाओ. बाकी अपना जो चौथा बंदा है वो स्टंटमैन, उसको बस तुम अरेंज कर लेना, बाकी सब मेरे पे छोड़. वो है क्या वैसे? क्लास में बैठा हुआ है, कल के टेस्ट ले पढ़ रहा है. चल उसे बुला लेंगे, चल लेंगे साथ. आ रहा ठीक है भैया, जैसे आप मिलेंगे रात को. Don't stop, make it pop. DJ blow my speakers up tonight. I'ma fight till we.
और इसके बाद जिसको जहां जगह मिली जैसे जगह मिली वो वहीं पर जी तोड़ पढ़ाई करने लगा। टेबल के ऊपर, बस के पीछे, पेड़ के पीछे, लाइब्रेरी में। That's all.